हेलो गाइस, आज बात करते हैं स्टैंडर्ड 6 NCERT साइंस की लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक अवर टास्क ईजियर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत सारी एक्टिविटी में करते हैं ताकि हमारा काम बहुत ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू रूफ टॉप टैंक। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ पानी को चढ़ाने में ताकि हमारी जो टंकी है वहाँ तक पानी पहुँच जाए, या फिर हम लोग ग्राउंड लेवल से लेके रूफ टॉप तक, टैंक तक पानी तक पहुँचाते हैं, या फिर पानी को पंप तक ऑपरेट करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। व्हाट आर द अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी? और कौन कौन से कामों के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो? आपको नोटबुक में एक लिस्ट बनानी है। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? इलेक्ट्रिसिटी को घर के अंदर लाइट करने में भी यूज़ होता है क्या? बल्ब के अंदर आपको ट्यूबलाइट चलाते हो, उसके अंदर एसी के अंदर, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर। येस, इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स। हमारे घर में रोशनी लाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी मदद करती है। इवन रोड्स, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्रीज, इवन आफ्टर द सनसेट, जब सन डूब जाता है तो उसके बाद ये सारी जगहों को लाइट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इसकी वजह से हम लोग रात को भी काम कर पाते हैं। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद द इलेक्ट्रिसिटी, हावेवर द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। पावर स्टेशन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। कहीं कहीं जगह पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, कुछ कुछ जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। इन सच सिचुएशन टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर द प्रोवाइडिंग लाइट। सो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे हम लोग हैंडी लाइट, जो टॉर्च बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। और टॉर्च एज अ बल्ब दैट लाइट अप एंड व्हेन इट स्विच ऑन। स्विच अगर बात करें टॉर्च के अंदर तो एक स्विच होती है, आपको चलाना होता है तो अंदर का जो बल्ब होता है वो ग्लो होता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? तो आपको क्वेश्चन होता होगा कि टॉर्च के अंदर तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई। बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक सेल। मैं आपको बता दूँ, टॉर्च के अंदर हम लोग सेल यूज़ करते हैं और सेल के टर्मिनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्रिएट होती है और इस हिसाब से सेल में से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे बल्ब ग्लो होता है। 12.1 इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन द टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल, जो हम लोगों ने अभी बात की। Electric cells are also used in alarm clock, wristwatch, transistor, radio, cameras and many other devices. Electric cell हर जगह यूज़ होती है, इवन अलार्म क्लॉक में, wrist watch में, ट्रांजिस्टर रेडियो में, कैमरा में और बहुत सारे अलग अलग डिवाइस में। हैव यू एवर केयरफुली लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल? नीचे आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। यू माइट हैव नोटिस दैट इट इज स्मॉल मेटल कैप, आपको दिख रही होगी कैप, ऊपर एरो दिखा रहा है वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, और बाकी दूसरी साइड पर आपको डिस्क जैसा दिख रहा होगा। डिड यू नोटिस द पॉजिटिव प्लस साइन एंड नेगेटिव साइन? आपको वहाँ पे मार्क भी दिख रही होगी, एक जगह पे प्लस साइन लिखा हुआ है, एक जगह पे माइनस साइन लिखा हुआ है। द मेटल कैप इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल, जो मेटल का कैप होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल नाम दिया जाता है और जो मेटलिक डिस्क होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल नाम दिया जाता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, और सारी इलेक्ट्रिकल सेल होती है इसके दो टर्मिनल होता है, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जिसके अंदर आ जाता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड द इट। जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल भरे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, और ये केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। व्हेन द केमिकल इन एन इलेक्ट्रिकल सेल आर यूज्ड अप, जब वो केमिकल इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज़ होता है तो इलेक्ट्रिकल जो सेल होता है वो स्टॉप हो जाता है वर्क करना। अब सारा जो केमिकल है वो यूज्ड अप हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सेल वर्क करना बंद हो जाएगा। सो हम उसकी जगह पे दूसरा रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यू माइट हैव सीन द डेंजरस साइंस शोज हियर डिस्प्ले ऑन द पोल्स। आपको बाजू में जो साइन दिख रही है वो डेंजरस का साइन है। इलेक्ट्रिकल जो सब्सटेंस होता है या मैनी अदर प्लेस पे आपने ये साइन देखी होगी। इट इज़ अ वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। इसका मतलब ये हो गया ये साइन का कि अगर आप उसको ढंग से नहीं संभालोगे तो ये आपको डैमेज कर सकता है। केयरलेसनेस इन देन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन कॉज सीवियर इंजरीज। अगर आप केयरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खराब वाली इंजरी भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकता है। हैंस यू शुड नेवर अटैम्प्ट टू द एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर एंड द शॉकेट। तो आपको कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए वायर और शॉकेट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। Also remember that the electricity generated by the portable generations is equally dangerous. Electricity जो भी portable generators में भी use होती है वो भी इतनी ही dangerous होती है. Use only electrical cell for all the activity related to the electricity. ये lesson के अंदर जो भी activity करने वाला है आपको इसके लिए electric cell का ही इस्तेमाल करना है. यहाँ पे bulb दिखाया हुआ है which producing electricity. The electrical cell then हैज़ टू बी रिप्लेस द न्यू वन. हम लोगों ने अभी बात किया कि अगर आपका जो सेल है वो ख़राब हो जाता है तो आपको नए वाले से रिप्लेस करना पड़ेगा. टॉर्च बल्ब हैज़ अ आउटर केस ऑफ अ ग्लास एंड फिक्स ऑफ द मेटलिक बेस. आपको टॉर्च के अंदर कुछ ऐसा ग्लास देखने को मिलेगा. पिक्चर 12.2 में दिखाया हुआ है. ऊपर का कांच का ब्लास और नीचे का मेटल का बेस. व्हाट इनसाइड द ग्लास केस ऑफ अ बल्ब. और ये ग्लास के केस के अंदर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. पहले तो एक्टिविटी देखते हैं. टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. आपको टॉर्च लेनी है, उसके अंदर का बल्ब देखना है. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. टीचर की मदद से आप बल्ब को बाहर भी निकाल सकते हो. व्हाट डू यू नोटिस. डू यू फाइंड द थीन वायर फिक्स इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब. आपको फिलामेंट जैसा देखने को मिलेगा, मतलब एक पतला सा वायर होगा. नाउ स्विच द टॉर्च ऑन. ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ अ बल्ब इज ग्लोइंग. फिर आपको स्विच ऑन करनी है, कौन सा पार्ट है वो ग्लो कर रहा होगा. बट ऑब्वियस जो फिलामेंट वाला पार्ट होगा, वो जो थीन वायर है उसको फिलामेंट बोलते हैं. द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू द टू थीक वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू इट एंड एज शोन इन 12.2. अगर फिलामेंट के बारे में बात करें तो हमारे पिक्चर के अंदर जो आपको एरो दिख रहा है वो फिलामेंट है, और नीचे के जो है वो टर्मिनल है, प्लस और माइनस टर्मिनल जो हम लोग आगे देख के आए. वन ऑफ दिस थीक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटलिंग केस एंड द बेस ऑफ द बल्ब. और एक बड़ा सा थीक वायर उसके बेस के साथ कनेक्टेड होता है, एंड दूसरा मेटल टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस. द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल. और जो बेस बल्ब के नीचे है और मेटल की टिप के नीचे है वो दो टर्मिनल हो गए. अभी हम लोगों ने आगे देखा प्लस और माइनस टर्मिनल. दिस टू टर्मिनल्स आर फिक्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. वो इस हिसाब से होता है कि दोनों एक दूसरे को टच ना करें. इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सेम डिज़ाइन. घर पे जो हम लोग बल्ब यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी ऐसी सेम डिज़ाइन से ही बनाए होते हैं. दस बोथ इलेक्ट्रिकल सेल एंड बल्ब हैव अ टू टर्मिनल ईच. इसका मतलब ये हो गया कि दोनों को दो टर्मिनल होते हैं, एक तो प्लस और दूसरा माइनस. वाई डू दे हैव द टू टर्मिनल. आपको क्वेश्चन आ गया होगा कि दो टर्मिनल क्यों. हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं. नेवर जॉइन द टू वायर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू द स्विच और डिवाइस लाइक अ बल्ब. दो वायर को कभी एक दूसरे के साथ आपस में जॉइंट करने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इससे शॉक लग सकता है. इफ़ यू डू सो केमिकल इन द इलेक्ट्रिकल सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड सेल स्टॉप वर्किंग. अगर आप दोनों को साथ में जॉइंट करते रहोगे तो जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो अपना केमिकल ज़्यादा यूज़ करेगा, और उसकी वजह से जो सेल है वो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होंगे. 12.2 देखेंगे. बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल सेल्स. बल्ब को इलेक्ट्रिकल सेल के साथ कनेक्ट किया गया. लेट्स अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट अप यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सेल. हम लोग को इलेक्ट्रिकल बल्ब को इलेक्ट्रिकल सेल की मदद से ग्लो करवाना है. देखते हैं कैसे होता है. एक्टिविटी 2 देखेंगे. टेक अ 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर विद अ डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग. आपको इलेक्ट्रिकल वायर, हम लोगों ने सबने इलेक्ट्रिकल वायर तो देखा ही होगा, अलग अलग कलर्स का आता है, तो आपको वो लाना है. रिमूव द लिटल ऑफ द प्लास्टिक्स कवरिंग फ्रॉम द ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा थोड़ा सा प्लास्टिक आपको निकाल देना है. दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ द ईच लेंथ. इसकी वजह से वायर दिख जाएगा अंदर का. फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ अ वायर टू द सेल. आपको इस हिसाब से वायर को पूरा बांध देना है. पिक्चर में आपको दिख रहा है धागे की मदद से या फिर रबर बैंड की मदद से कुछ इस हिसाब से. दूसरा जो एंड हम लोगों ने खोला वो हम लोग को इस हिसाब से बल्ब को लगाना है. यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टैप यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिशियंस. जो टेप आती है उससे स्टिक कर देना है. यूज द रबर बैंड एंड द टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल. हम लोगों ने अभी बात की सेल के ऊपर आपको स्टिक करना है, तो आप रबर बैंड यूज़ कर सकते हो या फिर टेप्स यूज़ कर सकते हो. नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन द 6 डिफरेंट वे एज हैज़ बिन शोन इन द 12.5 A to F. आपको अलग अलग तरीके से टच करवानी है कुछ इस हिसाब से. 6 अलग अलग वे बताई हुई है कि पहले इस हिसाब से टच करनी है, फिर इस हिसाब से टच करनी है, वैसे करके जो 4 वायरिंग है कुछ इस हिसाब से करके टच करवानी है कि कौन से टच करने से कौन सी जगह पर टच करने से वो जो बल्ब है वो ग्लो होगा, वो हम लोग चेक करेंगे. राइट येस एंड नो ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक. नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो. कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो. कौन से में बल्ब ग्लो होगा, कौन से में बल्ब नहीं ग्लो होगा, वो आपको बताना है. कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस. हम लोग देखेंगे तो जहाँ पे दोनों टर्मिनल्स होंगे ना वहाँ पे वो ग्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो आपको उसको ऑब्जर्वेशंस करके लिखना है आपकी नोटबुक में. कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल फॉर द अरेंजमेंट. मूव द पेंसिल्स along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangement. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from the one terminal to the another? जहाँ पे आप पेंसिल टच करा रहे हो ना वहाँ पे बल्ब ग्लो होगा, जहाँ पे टर्मिनल पे आप नहीं टच करा रहे हो वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा. इसका मतलब ये हो गया कि आप जब वुड को टच करा रहे हो, मतलब जब आप पेंसिल को ऐसे टच कर रहे हो, तो आप वो जो पेंसिल है वो स्विच का काम कर रही है, जो मतलब टच हो रहा है दैट मीन्स वो बल्ब ग्लो होगा, बाकी जगह पे बल्ब नहीं ग्लो होगा. आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.